हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका। बॉलीवुड की वो खूबसूरत अभिनेत्री जिसे कोई देखता तो बस देखता ही रह जाता। उसकी सुंदरता की वजह से ही उसे विंस ऑफ इंडियन सिनेमा और द ब्यूटी ऑफ ट्रेजेडी जैसे नामों से पुकारा जाता था। वो अभिनेत्री जिसकी एक मुस्कान पर पूरा हिंदुस्तान फिदा था। वो मुस्कुराती तो कई चेहरे खिल जाया करते थे। यही वजह थी कि उन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री की मर्लिन मुनरो कहा जाता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लाखों दिलों की धड़कन और भारतीय सिनेमा की सुपर डुपर अभिनेत्री मधुबाला की, जिनको ईश्वर ने जितनी खूबसूरती से नवाजा उनकी तकदीर में उतने ही दर्द भी लिखे थे। जब प्यार किया तो डरना क्या। बचपन में गरीबी में पली बड़ी इस अभिनेत्री ने भले ही मेहनत करके वो मुकाम हासिल कर लिया था जिसे पाने के लिए बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां तरसती रहती है। लेकिन इस मशहूर अभिनेत्री की जिंदगी की राहों में जगह जगह पर कांटे बिछे थे। आखिर क्या हुआ होगा जो वैलेंटाइंस डे के दिन जन्मी ये अभिनेत्री सारी जिंदगी सच्चे प्यार के लिए तरसती रही। मेरी आंखों से मेरे ख्वाब न छीनिए शहजादी, मैं मर जाऊंगी। आखिर क्यों वो अपनी जिंदगी का कोई भी फैसला खुद नहीं ले पाती थी। हर फैसले के लिए उसे किसी की इजाजत लेनी पड़ती थी। आखिर क्या वजह थी जो दिलीप कुमार से लेकर किशोर कुमार तक ने उसे धोखा दिया था, और आखिर क्यों जिंदगी के आखिरी दिनों में वो अकेली ही रह गई। आखिर क्यों बॉलीवुड इंडस्ट्री से कोई भी उनसे मिलने तक नहीं आया। बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, आप देखते रहिए हमारी एक खास पेशकश। मोहब्बत में जरा सुबह कर हम भी देखेंगे। बॉलीवुड के सबसे खूबसूरत अदाकाराओं में से एक मधुबाला को गुजरे आज 50 साल हो गए हैं। उस दिलकश अदाकारा को यादों में बसाए हुए हैं। उनके बहुत सारे फैंस मधुबाला की जिंदगी को करीब से जानना चाहते हैं। उनके ऐसे ही चाहने वालों को डेडिकेट है हमारी ये खास पेशकश। तो आइए चलते हैं मधुबाला की जिंदगी के सफरनामे की ओर। मधुबाला का जन्म प्यार के दिन यानी 14 फरवरी 1933 को हुआ था। ईश्वर की गलती से उनके दिल में एक सुराख रह गया। वो जब पैदा हुई तो उनका सारा बदन नीले कमल के सरीखा नीला था, लेकिन मौत को उसने अस्पताल में ही हरा दिया था। वो खुश होती हुई अपनी अम्मी की गोद में बैठकर घर आई, लेकिन वो कहाँ जानती थी कि जिंदगी तमाम दुश्वारियों के साथ बाहें फैलाए उसका इंतजार कर रही है। एक ज्योतिष ने तो बहुत पहले ही उनके माता पिता को कह दिया था कि उनकी बेटी खूब धन दौलत और शोहरत कमाएगी, लेकिन उसका जीवन दुखदायी होगा। माँ बाप ने उनका नाम मुमताज जहाँ देहवली रखा था। मुमताज अपने 11 भाई बहनों के साथ बड़ी हो रही थी कि उन्हीं दिनों में उनके अब्बू की नौकरी चली गई। अब्बू जान जब नौकरी की तलाश में निकलते तो साथ में 9 साल की बिटिया मुमताज को भी लिए चलते। उन्हें लगता कि शायद उसकी खूबसूरती देख उसे कोई फिल्मों में छोटा मोटा रोल दे दे, और हुआ भी ऐसा ही। मैं तुम्हारी मुस्कुराहट के लिए अपनी जान भी दे। मेरी मुस्कुराहट मुझसे छिन गई। एक बार दिल्ली आकाशवाणी के एक कार्यक्रम में संगीतकार मदन मोहन के पिता ने मधुबाला को देखा तो उनके चेहरे की मासूमियत देखकर फिल्म बसंत में उनको काम करने का ऑफर दिया। इस तरह मधुबाला ने फिल्म बसंत से बॉलीवुड में अपना पहला कदम रखा था। मधुबाला की बॉलीवुड में अब एंट्री हो चुकी थी। उनकी पहली ही फिल्म यानी बसंत में उनकी खूबसूरती को देखकर हर कोई उनका दीवाना हो गया था। देविका रानी तो उनके अभिनय से इतनी इम्प्रेस हुई कि उन्होंने उनका नाम मुमताज से बदलकर मधुबाला रख दिया। मेरा दिल ले गया। इसके बाद कुछ फिल्मों में अभिनय और गानों के साथ मधुबाला का करियर आगे बढ़ता गया। जाओ ना जी।
ऐसी क्या जल्दी चुभ जाएगी पहलू में। होले होले वक्त बीतता गया। मधुबाला जब 14 साल की हुई तो उन्हें पहला बड़ा ब्रेक मिला। तब डायरेक्टर केदार शर्मा ने उन्हें फिल्म नील कमल में हीरोइन का रोल ऑफर किया। यह फिल्म इतनी चली कि सब और मधुबाला की खूबसूरती के चर्चे होने लगे। उन्हें सिनेमा की सौंदर्य देवी कहा जाने लगा। मूर्तियां बनाने वाले को ना भूल जाए, इसलिए बनाने वाला समा गया है। नमस्कार। उसके बाद साल 1949 में उनकी दूसरी फिल्म महल आई, जहां पहली फिल्म ने उन्हें मुमताज से मधुबाला बना दिया था, वहीं दूसरी फिल्म ने उन्हें पूरे हिंदुस्तान की मलिका बना दिया था। अगर इस कीमत में भी मिल जाओ तो ये सौदा मेरे लिए महंगा नहीं। इसके बाद मधुबाला ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मधुबाला के लिए सब कुछ बदल गया था। गरीबी के दिन बीत चुके थे, वो स्टार बन चुकी थी। इधर का सब चीज कितना बदल गया है। क्या बदल गया? पहले इधर का सब चीज किसी दूसरे का था। मधुबाला ने राज कपूर, अशोक कुमार, दिलीप कुमार, देवानंद आदि उस दौर के सभी दिग्गज अभिनेताओं के साथ काम किया। गिल्ले, पगिल्ले, तेरी बातों बातों में छड़कता है। एक के बाद एक उनकी सारी फिल्में हिट होती गई। बरसात की एक रात, हावड़ा ब्रिज और हंसते आंसू आती गई और वो कामयाबी की बुलंदियों तक पहुँचती गयी। मधुबाला यही नहीं रुकने वाली थी। साल 1960 में मधुबाला की एक फिल्म ऐसी आई जिसने भारतीय सिनेमा का इतिहास बदल कर रख दिया, जिसने मधुबाला को सफल अभिनेत्री से एक स्थापित अभिनेत्री बना दिया और उस फिल्म का नाम था मुगल ए आजम। मोहब्बत जो डरती हो मोहब्बत नहीं, अय्याशी गुनाह है। जिस तरह फिल्म मुगल ए आजम में मधुबाला अकबर के सामने सलीम से प्यार का इजहार करती है। प्यार किया कोई सूरी नहीं की प्यार किया। उसी तरह मधुबाला अपने निजी जीवन में ऑन स्क्रीन सलीम यानी दिलीप कुमार से प्यार कर बैठी। दिल में ही नहीं जुबान पर भी हर वक्त दिलीप साहब रहने लगे। दिलीप कुमार साहब भी मधुबाला पर जान छिड़कते थे। मधुबाला की छोटी बहन मधुर भूषण की माने तो दोनों ने अंगूठियां तक बदल ली थी। दोनों सिर से पैर तक इश्क में डूबे थे। मधुबाला अब तक मिले सभी जख्मों को भूलने लगी थी। वो तो ये भी सोचने लगी थी कि शायद उनकी बीमारी भी ठीक होने लगी है। दोनों के बीच प्रेम का ये रिश्ता करीब 9 सालों तक चला। मधुबाला दिलीप कुमार को बहुत चाहती थी। लेकिन उनके साथ दिक्कत ये थी कि उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक का कोई भी फैसला खुद लेने का हक नहीं था। इसके लिए वो अपने पिता पर मोहताज थी। दिलीप कुमार के मामले में भी जैसा उनके पिता ने चाहा वैसा ही हुआ। दरअसल वो मधुबाला और दिलीप कुमार के रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। यहाँ तक कि फिल्म की आउटडोर शूटिंग के लिए भी उन्होंने मधुबाला को दिलीप कुमार के साथ नहीं जाने दिया, जिसके चलते दिलीप कुमार भी मधुबाला के पिता को नापसंद करने लगे। खैर वक्त का पहिया घूमता गया। एक बार फिल्म नया दौर की शूटिंग के दौरान बीआर चोपड़ा और मधुबाला के पिता में किसी बात को लेकर अनबन हो गई। ऐसे में कोर्ट में दिलीप साहेब ने बीआर चोपड़ा की तरफ से गवाही दे दी। इसके बाद मधुबाला के पिता ने तय कर लिया कि चाहे जो कुछ हो जाए वो मधुबाला और दिलीप साहेब को एक नहीं होने देंगे। मधुबाला ने ये खूब चाहा कि दिलीप कुमार उनके पिता से माफ़ी मांगे। शायद वह एक माफ़ी उनकी ज़िंदगी बदल सकती थी, लेकिन दिलीप कुमार ने माफ़ी मांगने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद धीरे धीरे दिलीप कुमार मधुबाला से दूर होते होते बहुत दूर चले गए। क्या करूं, दिल के हाथों मजबूर। आपके पाँव के नीचे। वही इंडस्ट्री वाले मानते हैं कि मधुबाला के पिता को लगा था कि अगर बेटी शादी करके चली गई तो आमदनी कहाँ से होगी। अपने मतलब के लिए उन्होंने अपनी बेटी की खुशियाँ कुर्बान कर दी। बहरहाल दिलीप साहेब के जाने के साथ ही मधुबाला की दुनिया उजड़ने लगी। एक तो टूटा दिल और ऊपर से बीमारी और हावी होने लगी। मधुबाला खून की उल्टियाँ कर करके कमजोर होने लगी। जरा इसे भी अपने साथ रखा करो। आप फिक्र न करें, मैं इसे अपने साथ जाने के लिए हाजिर हुई हूँ। थोड़े इलाज के बाद ठीक होकर वो फिर से काम पर लौट आए।
वैसे चलने का नाम है जिंदगी है। दिलीप कुमार के बाद मधुबाला की जिंदगी में एक और शख्स की एंट्री हुई और वो थे किशोर कुमार। मधुबाला के पिता ने उनके लिए किशोर कुमार को चुना था, जिनका ताजा ताजा तलाक हुआ था। किशोर कुमार उस समय सिंगिंग तो करते ही थे पर साथ में चुलबुले एक्टर भी थे। बड़ी प्यारी जगह। वो मधुबाला को पसंद करते थे। फिल्म चलती का नाम गाड़ी में उन्होंने एक लड़की भीगी भीगी सी गाना गाकर मधुबाला का दिल जीत लिया। लड़की भीगी भागी सी सोती रातों में जा। उस साल 1960 में उनसे शादी कर ली। जिस वक्त मधुबाला की शादी हुई उस वक्त उनकी उम्र 27 साल थी। शादी के बाद मधुबाला की जिंदगी दुख और दर्द के रास्ते पर जाने लगी। वक्त गुजरने के साथ मधुबाला फिर से बीमार पड़ने लगी, जिंदगी पर भारी पड़ने लगी। मोहब्बत की छोटी कहानी पे रोई। पति किशोर कुमार उन्हें इलाज के लिए लंदन ले गए, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें जवाब दे दिया था कि वो बस 2 साल तक ही जिंदा रह पाएगी और फिर इसका जिंदा रहना मुश्किल है। इसके बाद तो मधुबाला के साथ जो हुआ वैसा किसी के साथ न हो। अब किशोर कुमार को तो काम पर जाना ही था। मुंबई के कार्टर रोड में एक बंगले में शिफ्ट कर दिया। यहाँ उन्होंने एक नर्स और ड्राइवर भी रख दिया। किशोर कुमार 2-4 महीनों में जब भी उनसे मिलने जाते तो अकेलेपन से उकताई मधुबाला जार जार रोने लगती थी। अक्सर खांसते वक्त उनके मुंह से खून भी निकल जाया करता था, लेकिन इसका उनके पास कोई उपाय नहीं था। बड़ी चोट खाई जवानी पे रोई। उनके होठों से वो गुलाब जैसी हंसी गायब होने लगी थी, जिस्म सिर्फ हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया। मोहब्बत के लिए बनी मुमताज मोहब्बत के लिए तरसती रही। मोहब्बत की छोटी कहानी। मधुबाला की छोटी बहन मधुर भूषण तो उनके पति किशोर कुमार पर आरोप लगाते हुए कहती है कि किशोर कुमार ने तो मधुबाला का फोन भी उठाना बंद कर दिया था। हाँ, वो मधुबाला से बेइंतहा प्यार करते थे, लेकिन जैसे ही वह लंदन से आई उन्होंने मधुबाला को धोखा दे दिया। आप गई नहीं अभी तक? प्लीज दरवाजा खोलो, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। हाँ, बहुत अच्छा हुआ। बेशक वो एक अच्छे पति नहीं थे, किशोर कुमार ही नहीं बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री भी ऐसे ही निकली। मधुबाला इस बात से बेहद दुखी थी कि जब वो बीमार पड़ी तो कोई उनसे मिलने तक नहीं आया। वे मरने की कगार पर पहुंच गई, लेकिन उनका हाल जानने कोई नहीं आया। उन दिनों मधुबाला ने तैयार होना भी छोड़ दिया था। वे हर वक्त नाइट गाउन में रहती थी। फिर एक दिन 23 फरवरी 1969 को ऐसा भी आया जब बॉलीवुड की ये खूबसूरत अदाकारा हमेशा के लिए खामोश हो गई। मोहब्बत की छोटी। उस वक्त मधुबाला की उम्र महज 36 साल थी। कहा जाता है कि मौत के वक्त मधुबाला ने खूब मेकअप कर रखा था और इस तरह सज धज कर मधुबाला ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आज वो अगर होती तो अपना 88वां जन्मदिन मना रही होती, मगर किस्मत के लिखे के आगे कहां किसी की चल पाती है। उनके जन्मदिन पर उनके लिए बस यही ख्वाहिश की जा सकती है कि मुमताज, तुम जिस भी दुनिया में हो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत मिले।